नमस्कार छात्र मित्रों, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा सातवीं की पांचवी कविता बंदर का धंधा प्रस्तुत करने वाली हूँ। हमारे आज के कविता का नाम है बंदर का धंधा। छात्रों, आज हम इस कविता के माध्यम से कवि का परिचय देखेंगे तथा कविता का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और शब्द वाटिका, जिसके माध्यम से इस कविता में आए हुए नए और कठिन शब्दों का अर्थ भी देखेंगे। छात्रों, हमारे कविता का नाम है बंदर का धंधा और जिसके कवि है नरेंद्र जी गोयल। नरेंद्र जी गोयल, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 को पिलखुवा गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। इन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी है, जैसे गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची चिड़िया आदि। इनका परिचय देखिए। नरेंद्र गोयल जी, आप एक बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दे दी है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के कविताएं लिखी है और ये कविता भी छोटे छोटे बच्चों के लिए ही समर्पित है। और इस कविता के माध्यम से कवि हमें वनौषधिया द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचार, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि हमें वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियाँ के जो लाभ होते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कविता का उद्देश्यपूर्ण भाव तो यही है कि हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों की जानकारी मिले तथा उस पर किस प्रकार से उपचार किए जाते हैं इसकी भी जानकारी मिले और साथ ही साथ बच्चों का मनोरंजन भी हो। देखे, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। एक बंदर होता है जो जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। एक दिन इस बंदर को एक टूटा फूटा आला, टेलीस्कोप जिसे हम कहते हैं, जो डॉक्टर आमतौर पर मरीजों को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये टूटा फूटा आला इस बंदर को मिल जाता है और फिर वो खुद डॉक्टर बन जाता है। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, एक पेड़ के नीचे वो कुर्सी और मेज डालता है और वो अपनी डॉक्टरी वहाँ पर शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक भालू आकर बोलता है कि मुझे खांसी और जुकाम है। देखिए यहाँ पर इस चित्र में किस तरह से ये जो बंदर है, इसने अपने यहाँ पर एक छोटा सा दवाई खाना शुरू किया है, अस्पताल शुरू किया है और वो अन्य प्राणियों को वहाँ पर देखता है, उनकी बीमारियों को समझता है और उस पर हल भी बताने की कोशिश करता है। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आए 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर भालू आता है और फिर भालू को कहता है कि मुझे सर्दी जुखाम है, तो बंदर उस पर उपचार करते हुए बोलता है कि तुम क्या करो, इस पर तुलसी के पत्ते ले लो और पीपल की जड़ है ये, इस जड़ को तुम क्या करो, पानी में उबालकर सुबह शाम पियो, जिससे तुम्हारी खांसी और जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तभी तुम क्या करो, मेरी फीस देना। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और कहने लगती है कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे मैं शिकार पर जा सकूं। और देखिए फिर बंदर उसे क्या उपचार बताता है। देखिए यहाँ पर छोटे से अस्पताल में बंदर बैठा है और बिल्ली यहाँ पर अपनी बीमारी लेकर बंदर के पास आ जाती है। तो बंदर
उस बिल्ली को क्या उपचार बताता है, क्या दवाई देता है, देखिए। बंदर बोला, रस गिलोय का तीन बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। देखिए, जैसे ही उस बिल्ली कहती है कि मुझे 104 बुखार है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, तो फिर वो जो बंदर डॉक्टर होता है तो उसे क्या कहता है कि तुम क्या करो, दिन में 3-4 बार गिलोय का रस पी लो, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तक इतना स्वस्थ हो तो कल से ही डांस कर पाओगी। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आती है और बंदर से क्या कहती है, देखो। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आती है और बंदर से कहती है कि मुझे तुम कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और मैं बहुत सुंदर हो जाऊँगी और जिससे मैं सबसे अधिक सुंदर दिख सकती हूँ। अभी सुंदरता को किस प्रकार से बंदर बढ़ाने की कोशिश करता है, क्या दवाई देता है, देखो। बंदर बोला, घी गुवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। जैसे ही वहाँ पर एक लोमड़ी आती है और वो कहने लगती है कि मुझे ऐसी कोई दवा दे दो मैं जिससे सबसे सुंदर दिखूँ, तो बंदर कहता है कि तुम क्या करो, सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुमार लगाओ, शुद्ध देसी घी लगाओ, जिससे तुम्हारा जो चेहरा है वो कुंदन जैसे चमकेगा और तभी तुम मेरी फीस देना। इस प्रकार से जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह से चलने लगी। वह नित्य हर रोज जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाता है और खूब मज़ा करता है, सबको ठीक करता है। इस प्रकार से इस बंदर की जो डॉक्टरी होती है वो बहुत अच्छे से चलने लगती है। देखिए, इस कविता में आए हुए नए शब्द हम देखेंगे। आला यानी एक प्रकार का उपकरण जो डॉक्टर अपने मरीजों को चेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसे स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। दो, खांसी एक गले की बीमारी। तीन, जुकाम सर्दी। घी कुवार यानी शुद्ध घी। गिलोय मतलब पान की तरह पत्तियों वाली एक प्रकार की बेल। कुंदन यानी शुद्ध सोना और छूमंतर मतलब गायब होना। छात्रों, आज हम इस कविता में बंदर का धंधा इस माध्यम से हास्य कविता के माध्यम से अलग अलग प्रकार के बीमारियों को देखा और उसी प्रकार से उन बीमारियों को जड़ी बूटियों के साथ कैसे ठीक किया जाता है उसकी जानकारी भी देखी। इसके बाद हमारे अगले तासिका में हम हमारा अगला 7 नंबर का पाठ पृथ्वी से अग्नि तक इसकी जानकारी देखेंगे। थैंक यू।